नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। मोक्सक्लेव 625 टैबलेट पेनिसिलिन ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है। मोक्सक्लेव 625 टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में भी इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर आपको मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है, मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। वैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए आपको मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों में मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द, बदहजमी, पेट में दर्द, दस्त और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। मोक्सक्लेव 625 टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार एक एंटीबायोटिक दवा को लेने से या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए
आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लीवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में मोक्सक्लेव 625 टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्सक्लेव 625 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी मोक्सक्लेव 625 टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मोक्सक्लेव 625 टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और बच्चे में दस्त, उल्टी या एलर्जिक रिएक्शन आदि साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मोक्सक्लेव 625 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मोक्सक्लेव 625 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मोक्सक्लेव 625 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।